जिन हालात से दुनिया गुजर रही है, मुल्क गुजर रहा है इस कोरोना वायरस के आजमाइश के साए में, ये हालात अपने अंदर बहुत सारे सबक रखते हैं। वो सबक हमें हासिल करने जरूर हैं। इस दौरान हमने बहुत कुछ खोया है, हमने गुज़िश्ता 2-3 महीनों में बहुत कुछ खोया है। हमारा रमज़ान रमज़ान की तरह ना रहा, हमारी मस्जिदें बंद रहीं, हमारी मस्जिदें तरावी की रौनक से महरूम रहीं, हमारी ईद आई और ईद ईद की तरह ना रही। हमने इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत कुछ खोया ज़रूर है, लेकिन शरीयत की ये भी तालीम है कि ज़िंदगी में जो भी शर तुम्हें लाहिक होता है, हर शर के पीछे कुछ खैर भी होता है, उसे ढूंढने की कोशिश करो, तलाश करने की कोशिश करो। अगर ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम के इस इलाही कानून के तहत अगर हम गौर करें तो इस लॉकडाउन के दरमियान गरचे हमने बहुत कुछ खोया ज़रूर है, लेकिन हमने पाया भी ज़रूर है। हमारी मस्जिदें बंद हो गईं, लेकिन वल्ला घर घर मस्जिद का माहौल देखने को मिला। हमारे घर नमाजों से मामूर हो गए, हमारे घर तिलावत से मामूर हो गए, हमारे घर दुआओं से मामूर हो गए, हमारे घर जिक्र से मामूर हो गए, हमारे घर ताल्लुक बिल्ला के मज़ाहिर से मामूर हो गए। औलाद को खुशी हुई कि बाप के पीछे नमाज पढ़ने की सआदत मिल रही है, वालिदैन को खुशी हुई कि औलाद के पीछे नमाज पढ़ने की सआदत मिल रही है। कितने खुशनसीब घराने ऐसे हैं, बाप ने तरावी में कुरान पढ़कर देखकर पढ़ा है और कुरान ख़त्म किया है तरावी के दरमियान, औलाद ने नमाज पढ़ाई है कुरान देखकर ही सही, और तरावी में निसफ कुरान पढ़ा, 20 पारे पढ़े, कुरानी मजीद ख़त्म किया है, ये कितना बड़ा खैर है। दूसरा खैर हमें ये हासिल हुआ, बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने का सुनहरा मौका मिला। बीवी बच्चों के हक में हम बड़े मुकसर हैं, दोस्तों के लिए तो हमारे पास वक्त होता है, बीवी बच्चों को हम बहुत कम वक्त दिया करते हैं, जब जो कि वो उनका बुनियादी हक है। इस लॉकडाउन के दरमियान बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने का सुनहरा मौका मिला, और अल्लाह के खुशनसीब बंदों ने अपने बच्चों की नमाजें दुरुस्त की, उनका वजू दुरुस्त किया, तरबियती नुक्ते नज़र से अपने बच्चों की बहुत कुछ इस्लाह की, बहुत सारे माँ बाप ने इस लॉकडाउन के दरमियान, ये भी बहुत बड़ा खैर है। और ये खैर ये भी कि करोना की ये आजमाइश जिन हालात में शुरू हुई, वो क्या हालात थे सियासी एतबार से, पूरे मुल्क में NRC और NPR के खिलाफ तहरीक शबाब पर थी और हुकूमत इस गुरूर के साथ आगे बढ़ रही थी, एक इंच हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा कि 1 अप्रैल से NPR शुरू होने वाला था, 22 तारीख को लॉकडाउन नाफिज करना पड़ा, और आज एक इंच पीछे न हटने की बात करने वालों के गुरूर को अल्लाह ने ऐसे कुचला, कितने मील पीछे हट गए हो। अल्लाहु अकबर। यही है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अजबन लि अम्र المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له। मोमिन का मामला बड़ा ही अजीब व गरीब है कि इस ज़िंदगी में उसके साथ जो भी हो जाए अंजाम के अतबार से उसके हक़ में बेहतर ही होता है, उसे खुशियाँ मिलती हैं, शुक्रगुजारी करता है, ये शुक्रगुजारी उसके हक़ में बेहतर होती है, उस पर मुसीबतें आती हैं, मुश्किल वक्त आता है, सब्र करता है, ये सब्र उसके हक़ में बेहतर होता है, कभी शुक्रगुजारी उसके अंजाम को बेहतर बनाती है, कभी सब्र उसके अंजाम को बेहतर बनाता है, नेमतें भी उसके अंजाम को बेहतर बनाती हैं, मुसीबतें भी उसके अंजाम को बेहतर बनाती हैं। गुफ्तगू को ज्यादा तूल न देते हुए इन्हीं चंद नुकात पर अपनी गुफ्तगू समेटते हैं। हालात में और क्या सबक मुजमर हैं, अल्लाह ने तौफीक दी तो आने वाले जो खुतबात में रोशनी डालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को, हमारी फैमिलियों को, हमारे घरानों को, हमारे खानदानों को अल्लाह इस वबाई आजमाइश से बचाए। अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में हमारी आपकी फैमिलियों को, हमारे वालिदैन को, हमारे बीवी बच्चों को, खुद हमें, हमारे ख़ानदानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम की अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए, बल्कि सारे इंसानों के हक़ में दुआ करते हैं हम, अल्लाह सारे इंसानों की हिफाजत फरमाए और इस वबा को अल्लाह अपनी कुदरत से जल्द अल्लाह ताला इंसानों से दूर कर दे। ये हमारी दुआएं हैं, अभी नहीं जब तक ये वबा ख़त्म ना हो जाए हम यही दुआ करते रहेंगे। बारकअल्लाह।